तो लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। हर पार्टी के दिग्गज प्रचार के रण में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और अपने तमाम विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओवैसी ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो उनको लेकर उठ रहे हैं और हर उस मुद्दे पर दो टूक बोले जो इस सियासी जंग में हथियार बना हुआ है। पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। पीएम की जुबान नफरत भरी है। क्या 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं? मुसलमानों से नफरत, मोदी की गारंटी। बीफ कंपनी से चुनावी बॉन्ड में दिक्कत नहीं, बीफ शॉप जिंदाबाद विवाद पर बोले ओवैसी। गरीब की दुकान से बीजेपी को नफरत है। चुनाव प्रचार के दौरान हम MIM प्रमुख हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी से मुखातिब है। सर, हमने देखा पार्टी ने अपना सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हुई है, रील्स और मीम्स बन रहे हैं। क्या MIM इस चुनाव में, हम कहें तो, एक नई स्ट्रेटजी के तहत या चेंज MIM हम कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट करने जा रही है? नहीं, MIM चेंज क्यों होंगे भाई? जो मॉडर्न इलेक्शनरिंग टूल्स अवेलेबल हैं सबको, हमको भी अवेलेबल हैं, तो हम अपने लिमिटेड वे में जितने हमारे रिसोर्सेस हमारे को परमिट करते उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बड़े बड़े नेशनल पार्टीज तरह तो हम लोग रोज़ गूगल पे, फेसबुक पे एड्स तो दे नहीं सकते, तो जितना हम कर सकते और ये नई टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ करके हम लोग हमारा मैसेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो हमारी कोशिश है। बीजेपी ने माधवी लता को यहाँ खड़ा किया है, उनके नॉमिनेशन के दौरान अनुराग ठाकुर आए थे, उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने उनका कहना था कि जब से आई माधवी लता ओवैसी हो गए लापता। अब ये क्या है ना, जिसके आँखें का नंबर ख़राब हो जाता है, दिमाग पर सिर्फ नफरत का पर्दा पड़ जाता है, तो उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। आवाम से मुलाकात होती है, उनके अच्छे बुरे में हम लोग जाते हैं, और तो ये हमारा वर्क कल्चर रहा है। तो अब इनको नज़र नहीं आता तो अब क्या करेंगे? जिसकी गर्दन मोटी हो जाती है नीचे देख ही नहीं सकता ना, तो प्रॉब्लम है उनकी। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और MIM के बीच पर्दे के पीछे तेलंगाना में तो कम से कम दोस्ती हो गई है, हैदराबाद में दोस्ती हो गई। ये दोनों को एक दिन बिठाना चाहिए। हम सोच रहे कि इनको हैदराबाद में बिठा कर मोदी को और कांग्रेस के बड़े नेता आ जाए, ईरानी चाय पे उस्मानिया बिस्किट बिठा कर भाई तय कर लो कौन क्या बोलना चाह रहे हमको। आप दोनों कभी नहीं बोलते, इनके पर्दे के पीछे है, कभी बोलते उनके पर्दे के पीछे है, कोई पर्दा ही नहीं है। हम तो खुलेआम काम करते हैं, तो जिसके साथ हैं उसके साथ खुल कर बोलते हैं। तो ये लोगों तय करना चाहिए, कभी ये ऐसा बोलते कभी वो ऐसा बोलते। सवाल तो आपके पैदल दौरे के दौरान जो बीफ जिंदाबाद का नारा है उस पर भी खूब उठ रहा है। देखिए, मैं जो चाह रहा था बीजेपी ट्रैप में आ गई। मैं ये बताना चाह रहा था कि इनकी हिपोक्रेसी, आप 10 करोड़ आपको अलाना बीफ कंपनी से मिला है तो पैसा आपको बड़ा पसंद है, और एक गरीब जो दुकान चलाता है, जो 12-13-14 घंटे काम करते हैं लोग और वापस घर को ले जाता होगा वो मुश्किल 800-1000 रुपये, वही एक कथिक जो हिंदू समाज के हैं वो अपनी दुकान चलाते हैं, तो बीजेपी को तकलीफ क्या है? इन गरीबों से तकलीफ है बीजेपी को और RSS को। बीजेपी को तकलीफ नहीं, RSS को जब उनको बॉन्ड मिलता है।